वो सोचता है कि एज ए ऐलान करके लोगों को गुमराह करेगा। वो लुकाना चाहता सी असलियत, पर मीडिया ने उसकी असलियत फड़ ली। ऐलान करना है कि मैं 300 यूनिट मुफ्त दूंगा सारे पंजाबियों को। जो मीडिया ने पूछा वो कि 300 तो एक यूनिट भी वध हो जाए, फिर कहिंदा सारे 300 ते लगूगा पैसा, क्योंकि दिल्ली च भी आई हो रहा। पहली गल मैं पूछना चाहना है, केजरीवाल कौन हुंदा है, उहदी की पोजिशन है पंजाब च पंजाबियों नूं वादा करन वास्ते? केजरीवाल ने किहड़ा वोट लेनी है? इहनां दा किहड़ा सीएम फेस है या कौन इहनां दा लीडर है जिहड़ा बयान दे सकदा है या जिम्मेवारी लै सकदा है? केजरीवाल ना वोटां मिलियां या ना वादा पूरा, आपां केजरीवाल नूं थोड़ी फड़ सकदे। पहली गल तां केजरीवाल नूं दसना चाहिए पंजाबियों कि जिम्मेवारी लेगा पंजाब अपनी, जो आम आदमी पार्टी करेगी, जिहड़ी जवान आम आदमी पार्टी होगी, कौन जिम्मेवार है उस जवान का? पहली गल। दूजी गल, केजरीवाल कह रहा है कि 300 यूनिट दूंगा, दिल्ली तो कल 200 यूनिट दिते हैं, फिर 300 दिल्ली क्यों नहीं कर रहा? जे पंजाब दादा जितों का मुख्यमंत्री है उत्थे तो 200 यूनिट है, इतने 300 उत्थे भी। जे तुसी 200 यूनिट तो एक यूनिट भी वध जाए तो फिर सारे 200 तो देना पैदा। इहदा मतलब जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल की सरकार दौरान असी SC भाईचारे तो BC भाईचारे 200 यूनिट मुफ्त देंदे सी, केजरीवाल के हिसाब ना तो बहुत वड्डा नुकसान हो जूगा। हुण तां जे SC ते BC भाईचारे दे 300 यूनिट भी वलदे सी, 200 दी मुफ्त हो जांदे सी, कल्ले 100 दे बिल हुंदे सी केजरीवाल दे हिसाब नाल। इहदा मतलब SC ते BC भाईचारा जिहड़ा हैगा उहनां नूं पूरा फिर 200 दा भी देना पऊगा जे उहनां 300 हो गया। एक्चुअली केजरीवाल नूं असलियत पता ही नहीं पंजाब की। इत्थे आके कहिंदा पंजाब मैं 24 घंटे बिजली, 24 घंटे बिजली श्रोमणी अकाली दल ने सरकार ने करती सी। आ तो नलैकी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी है कि थर्मल प्लांट बंद पे है, चलाउंदे क्यों नहीं? ना कोई रिपेयर करते हैं, ना कोई मेनटेन करते हैं। मेनटेनेंस तो रिपेयर करके ही, कैप्टन की कोई प्लैनिंग नहीं। ताइयों अज किसानां नूं 8 घंटे जगह 4-5 घंटे मिल रही है तो घट लग रहा है। साढ़े टाइम जो बादल साहब मुख्यमंत्री से उदों कट क्यों नहीं लगते सी? क्योंकि असी मोनीटर करते सी। उदों जनरेटर क्यों नहीं चलते सी? असी रोज़ मोनीटर करते सी। उदों लोगों ने जनरेटर भी बंद करते सी अपने, तो इनवर्टर भी कट घरों कटते सी। आ 4 सालों च पूरे पंजाब का इकनोमिक ते इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा कैप्टन ने बर्बाद कर दिता। आई कारण है अज कट भी लग रही है तो अज बिजली पूरी भी नहीं आ रही। जिहड़ी बिजली 5 मिनट का काम है पूरी करना, पर नीयत साफ नहीं कैप्टन अमरिंदर सर। तुसी कैप्टन अमरिंदर का जिक्र किया, कैप्टन अमरिंदर ने भी सरकार बनने तो पहला बहुत सारे वादे किए थे, हालांकि उन्होंने हाईकमान ने भी कहा कि 18 वादे जिहड़े ने जल्दी तो जल्दी पूरे करो, तो केजरीवाल और कैप्टन के ये जिहड़े स्टंट नूं तुसी कितना देखते सी? पहली गल है कैप्टन क्योंकि पंजाब का सी, ऐसे मुख्यमंत्री ने वोटा लेनिया सी अपने नाते, तो जिम्मेवार उन्हें अपनी पर धोखा दिता। केजरीवाल तो है ही नहीं, वो तो पंजाब का ही नहीं मुख्यमंत्री है नहीं, उन्हें वोट लेनी नहीं। केजरीवाल ने MLA पंजाब का बनना नहीं, वो ही जबान तो आप की हूँ फड़ लेंगे? जे वो मुकर जाता है कहता मैं तो चीफ मिनिस्टर उतों का नाले, वो जबान करे चीफ मिनिस्टर जबान करे जे अपने सूबे चो करता होए, सूबे केजरीवाल के दिल्ली जिन्हें भी थोड़े मोटे किसान आ सारे ट्यूबलों के बिल पे कर बिल लगते उन्होंने, उत्थे उत्थे कोई 300 यूनिट नहीं है तो फिर इतने झूठ क्यों बोलते? एक ही करके वैक्सीन मैं पहले भी कह रहा सी कोई प्लैनिंग नहीं है। कैप्टन उसे पूछ लो ना अज कि किन्ने लोगों वैक्सीन लगी, उन्होंने नहीं पता होना किन्ने वैक्सीन पे है, उन्होंने नहीं पता होना। सारा कुछ ही अफसर साहिब ते छड्डिया अपने फार्म हाउस रहिंदा। आ एक बहुत वड्डी लोड़ है पंजाब दी जानां नूं बचाउण दी,
जेड़ियां सूबे हिम्मत करनगे वो वैक्सीन भी ले आउणगे ते वैक्सीन लुआ भी देणगे। सब तो घट वैक्सीन पूरे पंजाब हिंदुस्तान में सब तो खीरले तीन चार सूबे जिहड़े हैगे उहदे च ना पंजाब दा है, जे ना पंजाब दा सब तो थल्ले आ चाहे इहदा कारण है क्योंकि नदायक पंजाब दी सरकार है। तुसी होर वी वड्डी गल है, एक तो बिजली नहीं पूरी दे रहे, एक नहरी पानी बंद किया, आ जिन्ना बॉर्डर का इलाका फिरोजपुर फराज फरीदकोट बठिंडा फाजिलका इधर सारी नहरी नहर ही बंद हुई पई है। इस बिल्कुल नहीं, और तुसी इत्थों दी गल कर दे साडे जिथे फिरोजपुर तुसी कित्थों दे रहे नाले? नहीं मैं फिरोजपुर कर रहा बॉर्डर जिथे फिरोजपुर आ जिहड़ा हैगा बठिंडा संगरूर जिथे नहरी इत्थे ज़्यादा ट्यूबवैल लगे है उधरले इलाके च नहरी है जिहड़ा काम है उत्थे नहरां विच पानी बंद पिया पहली बार होया नहरां च पानी बंद है झोना किवें लगेगा? अफसोस इस गल का है कि कैप्टन किसी नूं सुनन नूं तैयार नहीं। साहब प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री सी, घट तो घट मुलाजमान या कोई भी किसी ने धरना देना उन्होंने एक उम्मीद तो सी कि वह बादल साहब नूं आके मिल के अपनी गल कर सकता है, भावें गल मनी जाए या ना मनी जाए वह तो मेरिट ते गल हुंदी है, पर घट तो घट विश्वास तो सी। इत्थे पांच साल एक पंजाबी नहीं दस सकता कि मैं जे प्रोटेस्ट करना या कोई मुलाजम कोई दस नहीं सकता कि जे असी चाहिए कैप्टन नूं मिल के असी गल कर सकीए, अज पिछले पांच साल एक नूं नहीं मिलिया। जिहड़े मिल लाउंदे आ धरना दिंदे आ इन्हें कैप्टन ने पुलिस नूं ते डीजीपी नूं इक्को गल कही है लाठी मार के भजा दिओ। बठिंडे दे विच सैंड माफिया अजकल बहुत चर्चा दे विच, पार्टी दे अपने एमएलए अपने मिनिस्टर दे उपर सवाल खड़े कर रहे ने, उस चीज़ नूं तुसीं कितना देखदे हो और अकाली दल इन्हां चीज़ां बारे कुछ अगे कोई रणनीति होनी चाहिए? जिहड़ा सैंड माफिया ना कैप्टन ने सारे एमएलए नूं इक गल कही है, तुसीं मेरा कहना छड्डो तुसीं लुट लो कल्ला बठिंडे तां हैगा ही हैगा, हर एमएलए तुसी अजनाला इन्हां दे हलके तुसी इधर सारे चले जाओ जिन्ने एमएलए है सब तो वड्डे सैन माफिया एमएलए है, आ इत्थों दा सुख सरकारी है तुसी उह पुछो किन्ने सब तो वड्डा किंग पिन सारे इत्थे अजनाला, आ सारा जिन्ना बेल्ट है कोई कोई इत्थे पुछण नाल नहीं। तुसी अखबारां च रोज़ आई जांदे टीवी च आई जांदी है, आ ब्यास की हो रहा इत्थे नाल ही ट्रकां दे ट्रक मैं फोटोआं देखियां लाइनां लगियां पईआं, पर क्योंकि उहनां नूं पता पुलिस नूं हिदायत है कि मेरे एमएलए नूं नहीं छेड़ना। अफसोस की गल है डेमोक्रेटिक राइट है वह पीसफुली जाना चाहते सी मेमोरेंडम ले लेंगे इन्नी इन्नी धक्का करने की लोड़ सी यार मैनू एदी कोई नॉलेज नहीं सी, तुसी मीडिया ज्यादा स्पेकुलेशन करदा है। सर मीडिया दे नित हमले हुंदे ने, विजय दिनी कवर विजय प्रताप दे प्रेस कॉन्फ्रेंस साडा एक पत्रकार गया ते ओदे नाल जिहड़े व्यक्ति सी उहनां ने उहनां नाल बातचीत कीती, उहदे बारे की कहना चाहोगे मीडिया दे? एक्चुअली कवर विजय प्रताप नूं पता लगना है इन्ने साल पुलिस रह के ओह पुलिस वाली गल्लां सोचदा है कि मैं पुलिस हां कोई कानून बना भी सकदा ते तोड़ भी सकदा, हुण उहनूं पता लगूगा कि कानून जो टुटूगा तो की होगा। नाले उन्हें एक होर ही पता होना चाहिए है कि जिन्हें उन्हें कानून तोड़े है हर चीज़ का हिसाब मिलू लेना पड़े। यार नवजोत सिंह सिद्धू एक मिसगाइडेड मिसाइल है जिहदा कोई कंट्रोल नहीं है, कितने मर्जी डायरेक्शन हो सकती है कितने मर्जी वज सकती है अपने ही वज सकती है। तुसी एक गल दसो अज तक जे तुसी उहदा 20-25 साल का इतिहास देखो किसे नाल नहीं बनी उहदी, जे क्रिकेट सी क्रिकेट च भी लड़के भज के आया सी बीजेपी च आया सी जिन्हों अपना माई बाप कहिंदा सी उहनां नूं चोर कहन लग गया, फिर कांग्रेस चले गया, फिर जिथे तुसी उहदी ना 5-6-10 डायलॉग रट्टे है वह डायलॉग नूं हर जगह वरतदा है, वही सोनिया गांधी खुश कर लेंदा है, वो मतलब मोदी साहब ने पहले खुश किया
तो इस करके एज अ मिसगाइडेड बंदा जिन्हों कला सोचता कि मैं भाषण ए एक्टिंग करके अज पंजाब नू एक्टिंग लानी चाहिए, पंजाब नू एक सोबर बंदा चाहिए जिहड़ा पंजाब की अगवाई कर सके, पंजाब नू अगे ले जा सके, पंजाब की डिवेलपमेंट सोच सके। कल्ले ड्रामे नाल नहीं होना पंजाब बचना। तुसीं देखिया साहब प्रकाश सिंह बादल दी राज 5-10 साल सी, तुसीं अमृतसर मैं बैठा गुरु की नगरी बैठा, कोई प्रेस वाला नहीं दस सकता कि पिछले 4 साल एक इट लगी हुई जिहड़ियां मैनू दुख हुंदा जदों मैं ड्राइव करदा हां, जिहड़े बूटे लाए सी मच गए है, जिहड़ियां सड़कां बनाईयां सी जिहड़े मैं कोई चीज़ां सारे तुसीं देखो टुटे पए है। तो इस करके जिवें आ हैरीटेज स्ट्रीट है किन्नी वधिया बनाई सी ते हुण जिवें लावर जी फिरदी है। इस करके आपां नूं अगवाई चाहीदी है लीडरशिप की जिहड़ी पंजाब नूं अगे लैके जा सके। हुण बहुत साल आपां बर्बाद कर ले पिछले भाषणां नाल, श्रोमणी अकाली दल दसो जिहड़े रुख लाए सी मच गए, जिहड़े पानी दा या कोई सफाई दा इंतजाम सी कुछ भी नहीं, कोई भी है किसे इंतजाम ही नहीं किया। 4 साल जदों सानू तो 1 साल असीं वधिया बनाती सी, लोग इंजॉय करते। हूँ देखो मैं देखा टाइलां टुटी जांदियां, मेंटेनेंस है नहीं, जिहड़ा असीं क्रिएट किया एक एक्ट बना के इहनू एक फंड अलॉट किया, फंड बंद कर दिता, जिहड़ी कंपनी हायर की सी जिहड़ी मेनटेन करेगी वह बंद कर दिती। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 6 ਵਾਂ ਪੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਕਟਾਈ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਾਰੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਆਹ ਵੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝਗੰਢ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾ। ਦਿੱਲੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰ 200 ਤੋਂ 1 ਯੂਨਿਟ, 200 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਸੀ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਲਾ ਲਓ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੱਪ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ 200 ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰੋਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਊਗੀ ਅਸਲੀਅਤ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ 300 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਫਿਰ ਫਸ ਗਿਆ। ਜੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 300 ਤੱਕ ਹੈ ਪਰ 300 ਦੇ 1 ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਉੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮਗਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ, 50 ਰੁਪਏ ਕੀ ਕਰਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਕਮਾ ਲਿਆ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 500 ਘਟਾਉਂਦੇ? ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੀ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਪਈ, ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਭੇਜਿਆ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਸਾਰਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ
मैं अपील भी करता सारे गवर्नर साहब नू मैं टैलीफोन तो किया मैं होम मिनिस्टर ना भी असं गल कर रहे हैं कि जेडे एज ए इंसीडेंट इस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मनोरिटी कम्यूनिटी दिता है एज ए इंसीडेंट नहीं होने चाहिए किसी हाल तो अपनी कम्यूनिटी कितने बर्दाश्त नहीं करूगी मैं कह रहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री की नलैकी है जो असी मुख्यमंत्री से असी करोड़ करोड़ डेढ़ डेढ़ करोड़ दो दो करोड़ रुपया जमीना का दवाया है उदो लोग भज के देंदे सी आ नलैकी कैप्टन अमरिंदर सिंह की है जिहड़ी 20 लाख के हुण पंजाब की जमीना दवाई जांदा है।